नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं या फिर एक आम नागरिक हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हर साल जिसमें 6,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है उस योजना के भीतर आपको पैसे आ रहे हैं, आपने इसके लिए ऑनलाइन किया था, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि अब इस योजना के भीतर एक ऐसा बदलाव किया गया है जिसके भीतर आप सभी को अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाके अपना आधार अपडेट करना पड़ेगा, तभी आगे से आपको 6,000 रुपये सालाना आएंगे, अदरवाइज आपको ये पैसा आना बंद हो जाएगा। तो ये किस्त आपको इसके लिए कैसे क्या अपडेट करना है, ये जो जरूरी आधार अपडेट करना है आपको अपने जो अकाउंट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाला, उसमें घर बैठे अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से घर बैठे कैसे करेंगे बिना भाग दौड़ के, उसका जो सरल तरीका है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर एक भी पार्ट आप मिस कर देते हैं तो हो सकता है आपको कोई परेशानी हो या फॉर्म आपका गलत तरीके से सबमिट हो जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना देर के बता देता हूँ आपको आज इस अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने जितने भी दोस्त हैं जितने भी ग्रुप हैं सभी पहुँचा दिया ताकि सभी को उसके बारे में पता चल सके। और इसके लिए जैसे कि आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर आपने अप्लाई कर लिया है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या संशोधन करना है उसमें, या नया अगर किसी का अप्लाई करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया कैसे क्या करना है। लेकिन अभी बात करते हैं संशोधन के लिए कैसे क्या करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है चीज़ें, लिंक दिया गया है कि कहाँ से जाके आपको करेक्शन करना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस वाले लिंक पर आपको जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे आप जाएंगे तो एडिट आधार डिटेल वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी किसान है जिसके भी फॉर्म में आपको करेक्शन करना है, जिसका संशोधन करना है, उसका आधार नंबर यहाँ पे भरना है। और वो आधार नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड ये दिखाई पड़ेगा सेम ऐसा ही डालना है, अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, डालने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप सर्च करेंगे इस डिटेल को तो यहाँ पे आपका जो भी किसान का नाम है, उसका मोबाइल नंबर या जो भी चीज़ें हैं, गांव है, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सारी चीज़ें आपको लिख के आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको अब इस किसान के फॉर्म में अगर आधार नंबर अपडेट करने के लिए बोल रहा है या फिर आधार वहाँ पे लगा हुआ है, आधार से नेम मिसमैच है, आपको नाम अपडेट करने के लिए बोल जा रहा है, मैसेज आया है आपके फ़ोन पे, तो यहाँ पे जो एडिट का बटन दिया है इस वाले एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो कॉलम ओपन होता है, यानी कि अभी जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे फार्मर नेम वाला कॉलम ओपन हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि हमारा नाम जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि एक अक्षर का स्पेलिंग मिस्टेक था जिसकी वजह से ये हमें मैसेज आया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसका स्पेलिंग ठीक करते हुए इसको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, जैसे अपडेट किया हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, यहाँ पर मैसेज आ गया है। और इस तरीके से आप अपना भी घर बैठे आसानी से ये चीज़ अपडेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं जनसेवा केंद्र वगैरह चलाते हैं या किसी किसान का अपडेट कर रहे हैं तो सेम इसी चीज़ का आप प्रिंट आउट दे सकते हैं उन्हें, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि उनका फॉर्म अपडेट हो चुका है, आप उनको कुछ आप उसके लिए चार्ज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सिंपल प्रोसेस जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के भीतर आधार अपडेट का था वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं या आपको कोई दिक्कत आ रहा है, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, यथासंभव कोशिश की जाएगी कि आपकी जल्दी से जल्दी मदद की जाए। और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने जितने भी दोस्त हैं जितने भी ग्रुप हैं सभी पहुंचा दिया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।